जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सिद्धू के माता पिता जो है छोटे सिद्धू के जन्म लेने के बाद जो है बुरी तरह से जो है फंस चुके हैं। आखिर रातों रात हवेली में सिद्धू के पेरेंट्स के ऊपर संकटों के बादल किस प्रकार से छा गए हैं, क्यों आखिरकार सिद्धू की माता चरण कौर जी का छोटे सिद्धू के पैदा होने के बाद जो है रो रोकर बुरा हाल है, ऐसा कौन सा संकट मंडरा रहा है सिद्धू के पेरेंट्स पर। चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी मुसीबत उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। आप सब तो जानते ही हैं, भली बात है कि सिद्धू की माता चरण कौर जी का जो IVF है वो टेक्निक उन्होंने विदेश से लिया था, लेकिन वहां से लेने के बाद जो है सिद्धू की माता चरण कौर जी इंडिया आई और इंडिया से ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। अब आज जो खबर आई है वो अपने आप में काफी ज्यादा भयभीत कर देने वाली है। जी हाँ, छोटे सिद्धू तो जन्म ले चुके हैं, हवेली भी पहुंच गए हैं, 1.5 महीने तक मिलना जुलना भी बंद करा दिया है सिद्धू के पेरेंट्स ने, और कहीं ना कहीं वो सेफ्टी रीजन की वजह से ठीक भी है। लेकिन आपको बता दें, IVF को लेकर, सिद्धू के जन्म लेने को लेकर, छोटे सिद्धू के पैदा होने को लेकर जो है इंडिया में उसे लेकर बहुत बड़ा मसला जो है चल रहा है। बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं सिद्धू के पेरेंट्स इस वक्त, उन पर संकटों के बादल छा गए हैं, उन्हें जेल भी हो सकती है। सही सुन रहे हैं आप, इस वक्त सिद्धू के पेरेंट्स को लेकर बहुत बड़ी बुरी खबर सामने आई है। आखिर किस प्रकार से जो है कानूनी कार्रवाई हो रही है उन पर, और किस प्रकार से जो है आपको बता दें डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं करवा पा रहे हैं सिद्धू के पेरेंट्स। दरअसल आपको बता दें, जब छोटे सिद्धू 17 मार्च 2024 को पैदा लिया था उन्होंने, तो उसी वक्त जो है उसके 3 दिन बाद ठीक हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में छोटे सिद्धू ने पैदा लिया था उसी हॉस्पिटल में सिद्धू के माता चरण कौर जी से उसी परिस्थिति में जो है पूछताछ चालू हो गई थी। सिद्धू के फादर साहब से पूछताछ चालू हो गई थी और साफ तौर पर ये सवाल पूछे गए थे कि क्या आपने जो ट्रीटमेंट लिया है IVF का, वो इंडिया से लिया है या विदेश से चल रहा था आपका, और अगर इंडिया से लिया है तो कानूनी गैर कानूनी है तो पूरी तरह से, और ये बच्चा भी गैर कानूनी है, साफ तौर पे ये कहना था। अब इंडिया के अंदर कानून क्या है, जो आप जानते ही होंगे कि 50 से ऊपर की महिला जो है IVF ट्रीटमेंट नहीं ले सकती, बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। साथ ही जो जेंट्स की आयु होती है वो 60 वर्ष होती है। इस वक्त सिद्धू की माता चरण कौर जी 58 की हैं और सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी जो है आपको बता दे वो 60 साल के हैं, तो ऐसे में IVF लेना उनके लिए अनिवार्य था और इस वजह से ही गैर कानूनी चीजें जो हैं उनके ऊपर लागू हुई है। लेकिन सिद्धू के फादर साहब ने छाती ठोक कर, सीना ठोक कर जो है उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही थी कि हमें अभी परेशान ना किया जाए, हम जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे तब हम सारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास एक एक डॉक्यूमेंट्स हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम जमा करवा देंगे, हमारा बच्चा गैर कानूनी नहीं है, हमने सारी चीजें कानूनी की निगरानी में रखकर ही पूरी की है सारी प्रक्रिया। लेकिन आपको बता दें अभी भी ये मसला जो है चल रहा है लगातार। सिद्धू के पेरेंट्स ने, सिद्धू के फादर साहब बलकौर सिंह ने खास तौर पे सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए हैं सरकार को। लेकिन आपको बता दें, आपको ये जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि अब IVF मामले को लेकर जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब सरकार से माता चरण कौर जी के IVF ट्रीटमेंट पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, एक एक जानकारी मांगी है। वहीं आपको बता दें, इंडिया में IVF को लेकर बनाए गए नियम अनुसार केवल 21 से 50 साल के बीच की महिलाएं ही इस तकनीक से बच्चे को जन्म दे सकती हैं। उसके अलावा जो भी बच्चे को जन्म देती हैं, जिस भी एज ग्रुप की महिलाएं, तो उस पर जो है आपको बता दें कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन सिद्धू की माता चरण कौर जी ने इंडिया से नहीं बल्कि विदेश से जो है ये IVF ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन जो उनकी डिलीवरी हुई है वो इंडिया में हुई है और जो ट्रीटमेंट हुए हैं 9 महीने के अंदर वो भी इंडिया से लिए गए हैं। अब इसी सारी चीजों की जानकारी जो है स्वास्थ्य मंत्रालय जो है पंजाब सरकार से लगातार डॉक्यूमेंट्स मांग रही है और सिद्धू के फादर साहब बलकौर सिंह ने अपनी तरफ से जितने भी डॉक्यूमेंट्स से सबूत थे सारे जमा करवा दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे लगातार जो है पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें इसी बीच जो है सिद्धू मूसेवाला जी का एक नया गाना 410 सॉन्ग जो है सन्नी माल्टोन और सिद्धू मूसेवाला जी का कोलैब में गाना रिलीज हुआ, जो कि 10 मिलियन के करीब व्यूज होने वाले हैं। अपने आप में काफी ज्यादा क्रेजी कर देने वाला ये गाना है, और आपने इस गाने को सुना है या नहीं सुना जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये गाना जब रिलीज हुआ था सिद्धू मूसेवाला जी का, तो आपको बता दें 7वां गाना है उनकी हत्या के बाद, और इस गाने के रिलीज होते ही पूरा यूट्यूब हैंग भी हो गया था। सिद्धू मूसेवाला जी का ये गाना जो है 4 चांद लगा रहा है सोशल मीडिया पर, खूब तबाही मचा रहा है, खूब पसंद किया जाने वाला नंबर 1 गाना है, ट्रेंडिंग नंबर 1 में पूरे वर्ल्ड में चल रहा है ये गाना। वेल, सिद्धू मूसेवाला जी के पेरेंट्स को जिस प्रकार से IVF टेक्निक को लेकर अब तक परेशान किया जा रहा है, इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या ये परेशान किया जाना सही है? जो भी आपकी राय है इस बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और सिद्धू जी का 410 सॉन्ग नहीं सुना है तो जरूर सुनिए, क्योंकि अपने आप में काफी ज्यादा पसंद किया जाने वाला ये गाना है। जो भी आपकी राय है इन सभी मामलों में अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में जरूर प्रकट कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।